गृह लक्ष्मी योजना यानी एपीएल और बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए, ये रकम 15 अगस्त से बैंक खाते में जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होने लगा है और जो महिलाएं प्रक्रिया समझ नहीं पा रही उन्हें बैंगलोर वन जैसी संस्थाएं मदद दे रही है। नहीं तो हमको भी काम करने के लिए होता है। प्रेम कुमारी के 4 बच्चे हैं और पति ऑटो चलाते हैं। 2000 रुपए हर महीने पाने के लिए उनके जैसी तमाम महिलाएं रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पहुंच रही हैं। हमको गृह लक्ष्मी आई है, हमारा घर में 4 बच्चे है, हमको भी थोड़ा सरकार में ऐसे देने तो हमको भी काम करने के लिए होता है। बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा काम को स्कूल को कुछ देना पे देना होता है। कांग्रेस ने वादा किया था कि राज्य के हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे, लेकिन अब कुछ शर्तें जोड़ दी गई। वो परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं जो आयकर या जीएसटी भरते हों। गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर रहने वाले परिवार इस योजना का फायदा ले सकते हैं। साथ ही अंत्योदय कार्ड होल्डर भी इस स्कीम के तहत आएंगे। लेकिन बीजेपी को लगता है कि योजनाओं के लिए तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए जुटाना कांग्रेस सरकार के लिए संभव नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मोबिलाइज सच अमाउंट। दे आर सेइंग ऑनेस्टली आई फील दिस विल गो ऑन टिल पार्लियामेंट इलेक्शन। इससे कम से कम हमारे कर्नाटक में 1 crore 28 lakh families are going to benefit out of it। गृह लक्ष्मी योजना से घरों में लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन आखिर कब तक? ये सवाल बीजेपी उठा रही है, क्योंकि वादों को लागू करते वक्त अब कांग्रेस सरकार इसमें शर्तें जोड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के वादों और इरादों को लेकर आम लोग भी असमंजस में हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।